हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज कुछ नया लग रहा होगा, मैं आई हूँ मायके में। और कल रात को आई, रात के 10 बजे अचानक से आना हुआ है, और किट्टू को लेके आई हूँ, और दीदी लोग आए थे साथ में। दीदी आई थी, बहन, जिया जी, तो वो लोग चले गए हैं, सुबह ही चले गए थे 6 बजे, अभी 7 बज गए हैं। और तो बुबू की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल रात में, तो इसीलिए आए हम लोग यहाँ। रात को ही आए फिर गाड़ी लेके, और अभी वैसे ही है बुबू, अभी मिलाती हूँ आप लोगों को। तो अभी खाना वगैरह भी कुछ नहीं खा रहे हैं, खाना वगैरह सब छोड़ दिया है बुबू ने। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत उनकी सीरियस हो गई थी रात में, फिर हम लोग रात को ही आ गए, और अभी मैं यहीं हूँ, वो लोग चले गए हैं। दीदी भी चले गई है और बहन भी चले गई है, क्योंकि बहन का ट्यूशन वगैरह है, और तो मैं यहीं हूँ अभी। और अब आएँगे दक्ष के पापा और दक्ष आएँगे अभी, तो उसके बाद जाऊँगी शायद, मैं यहीं भी रह सकती हूँ। और तो यहाँ का दिखाती हूँ आज आपको, बहुत दिनों बाद यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मौसम, उसके बाद मिलाती हूँ सभी से। क्या कर रहे हो? तो सुबह के 7 बजे हैं, यहाँ पर धूप जो है काफ़ी लेट आती है, और मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है आज यहाँ का। पानी आ रहा है उसमें, वाटरफॉल है वहाँ पर, झरना है। तो बरसात के टाइम में ही आता है उसमें पानी, बाकी टाइम में सूख जाता है। हाँ बाबू, इधर आ जाओ, आने जाने। और यहाँ देखो, ये सब मड़ुआ है, यहाँ सब धूप में डाला है चाची लोगों ने, मम्मी लोगों ने, सुखाने के लिए, और फिर इसको चूटेंगे। और यहाँ भट है ये। तो आजकल का सीज़न जो है खेती बाड़ी का सीज़न होता है, इस टाइम पे अनाज वगैरह सब हो जाते हैं। और देखो बच्चों को, देखो। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का कमरा। आज पापा ने यहाँ मंदिर बना दिया है, देखो। नंदन नहीं आना, जूता पहन के चलो चलो। पापा यहीं पर सोते भी है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। हाँ मैं जा रही हूँ, आ जाना भी जल्दी। और यहाँ वाले में भी ताला लगाया है, हम कल बिस्तर वगैरह रखा हुआ है। जाते हैं चलो। तो मैं जा रही हूँ नीचे, सुबह सुबह का समय है, सभी लोग चले गए हैं खेतों में। और आपको मिलाती हूँ अपने बूबू से।
चलो आजकल देखो यहाँ केले का भी पूरा जंगल जैसा हो गया है। देखो इतने ज्यादा हो रहे हैं केले के पेड़। गायें सब बाहर बांध दी हैं। अब तो इधर आ जाओ बिन्नू। मम्मी है यहाँ पर, पूजा कर दिया मम्मी ने। मम्मी आएगी। बुबू सोए हैं अभी, यहाँ पर नींद आई है बुबू को। से हैं सूरज और सोनू, तो ये दोनों मेरे चाचा के बेटे हैं, मेरे भैया लोग। तो ये धान चूट रहे हैं यहाँ पर, देखो इस तरह से चूटते हैं धान। तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ खेत में। किट्टू भी है। आ चल, जैसे तेरे को नहीं दिखा रही मैं। चल तो एडिट। हाँ तो गोदी आ जा मेरे। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा घर से नीचे ही खेत में मम्मी के साथ। मम्मी आ गई है, तो मम्मी गोबर ले जा रही है और हम लोग भी घूम के आएंगे। अभी बुबू थोड़ा सा ठीक है पहले से, और ताऊ जी भी आए हैं टनकपुर वाले हमारे, वो भी बैठे हैं अंदर। तो यहाँ का रास्ता देखो, ये बिल्कुल पगडंडी वाला है। मम्मी जा रही है आगे आगे गोबर ले जाके। तो गांव घरों में जो है काफ़ी काम होता है, पहाड़ों में लोग बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक काम ही करते रहते हैं। यहाँ पे गज्जू रखा है, ये चाची लोगों का लेबर लगाए हैं तो वो लेके आ रहे हैं। मौसम शाम का कुछ ऐसा है मेरे मायके में। अब चलो अमरूद कहाँ से तोड़ेंगे हम, वो पेड़ है वहाँ। और आजकल देखो घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो आजकल हमारे पहाड़ों में इस महीने को बोलते हैं असौज का महीना, तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है असौज में यहाँ। और गज्जू कटाई, धान मड़ाई, भट्ट मांस, बहुत कुछ होता है। किट्टू को छाता मिल गई। कहाँ है नानी? नानी यहाँ है। तो हमारा घास है, मैं काटूंगी। तो दिया क्यों तोड़ा फिर? कुछ जिनो हो रहे हो ना तो घास था।
तो मम्मी घास काट रही है और यहाँ पर है सिन्ना बिच्छू घास। तो ये है हमारे अमरूद का पेड़ और ये लाल अमरूद हैं, तो ये अभी बहुत कच्चे हैं, पके नहीं हैं। और देखो कितना ज़्यादा फल आया है इनमें, बट ये ना ये सब बंदर खा जाएंगे बाद में। किट्टू और मैं अमरूद तोड़ेंगे अभी यहाँ से। कहाँ है कच्चा? हाँ कच्चा है। फिर ओह तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सूखा घास, ये गाजर है और ये मशीन से काट कर रखा हुआ है किसी ने। और देखिए शाम होने वाली है और अमरूद खा लिए हमने तोड़कर। और आज की ब्लॉग का यहीं पर एंड कर लेती हूँ, ब्लॉग लंबा हो रहा है। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।